हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप अपनी पुरानी साड़ी या दुपट्टा को यूज़ करके नई ड्रेसेस बना सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी 3 ड्रेसेस दिखाऊंगी जो कि मैंने दुपट्टों में से या साड़ीज में से ही बनाई हैं, और वो ड्रेसेस जो हैं वो बहुत ही सुंदर बनकर आई हैं, और जब भी मैं उन्हें पहनती हूँ तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलते हैं। तो मुझे लगा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि आप अपनी पुरानी साड़ीज को डिस्कार्ड करने से पहले या पुराने दुपट्टों को डिस्कार्ड करने से पहले एक बार दोबारा से सोच सको कि इसमें से हम कुछ और बना सकते हैं क्या। तो यही मेरा वीडियो का एक मोटिव है कि आपको कुछ आइडियाज मिले कि आप पुरानी चीजों को रीयूज करके कैसे उनको नया कुछ बनाया जा सकता है। आज इस वीडियो में आपको अपनी 3 ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ, और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज के साथ मैं आने वाली हूँ फ्यूचर में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो है ये पंप्स, ब्लॉक हील्स में ये पंप्स हैं और बहुत ही कंफर्टेबल हैं, और इस वाली ड्रेस के साथ ये बहुत अच्छे। मुझसे 500 रुपीज़ चार्ज किए, और इस ट्राउज़र को स्टिच करने के लिए उन्होंने मुझसे 600 रुपीज़ चार्ज किए, जिसमें कि सारा फैब्रिक मेरा था, लाइनिंग उनकी थी। जो सेंटून की लाइनिंग इस कुर्ते में लगाई है और जो कॉटन की लाइनिंग इस ट्राउजर्स में लगाई है वो उन्होंने अपने पास से ही लगाई है। ये बहुत ही महंगे वाला लुक देती है वेयर करने के बाद, एंड आई थिंक इट वॉज टोटली वर्थ इट, एंड आई लव दिस ड्रेस। सो यार, दिस वॉज द फर्स्ट ड्रेस, एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रेस। जो सेकंड ड्रेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये वाली। ये एक शरारा है, लेमन कलर का ये एक शरारा है, और मैं आपको बता दूँ ये मैंने एक पुरानी साड़ी में से स्टिच करवाया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस टाइप का शरारा है। मैं आपको बता दूं ये वाला जो शरारा है ये मैंने अपनी सिस्टर की पुरानी साड़ी में से बनाया है, 2012 की उसकी वो साड़ी थी जिसको मैंने अब रीयूज़ किया है 8 साल बाद। और ये वाला जो शरारा है इसमें मैंने ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करी, इसमें मैंने डिज़ाइन ड्रॉ किया पेपर पे, और मैंने बुटीक वाली को वो डिज़ाइन और ये जो साड़ी है ये जाके डंप कर दी उनके पास, और उन्होंने मुझे ये शरारा बना। आप देख सकते हैं इसका जो भी एक्स्ट्रा था वो ये सब रखा हुआ है मेरे पास। अभी भी एम्ब्रॉयडरी जो थी इसमें बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी थी साड़ी में ऊपर पल्ले पे, तो ये वाली जो सारी एम्ब्रॉयडरी है ये मैंने निकलवा दी। अभी भी काफ़ी सारा फैब्रिक जो है मेरे पास बचा हुआ है इस साड़ी में से, तो अगर मुझे किसी और चीज़ पर कोई भी डिज़ाइन बनवा के लगवाना है तो मैं इसको वैसे। चलिए अब मैं आपको इसकी प्राइस के बारे में बता देती हूँ। ये वाला जो पूरा शरारा है ये उन्होंने मुझे स्टिच करके दिया 4000 रुपीज़ में, जिसमें कि उन्होंने मुझे बताया कि 1500 उन्होंने चार्ज किए हैं दुपट्टे के लिए और 2500 उन्होंने चार्ज किए हैं इस शरारा के लिए और इस कुर्ते के लिए। तो 2500 का हो गया ये और 1500 का ये हो गया ये, और जो कि हो गया टोटल 4000 रुपीज़। एंड जब मैं इसे पहनती हूँ ट्रस्ट में 15 to 20,000 वाली ड्रेस का लुक आता है, और मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले जब मैंने इसको पहना था। इसको मैं टीम करती हूँ इन वाली झुमकीज के साथ। ये वाली जो झुमकीज हैं ये मैंने मिंत्रा से बाय की थी, और जिसके साथ मैं हील्स वेयर करती हूँ वो है ये वाली हील्स। ये वाली जो हील्स हैं ये मैंने अपनी शूज कलेक्शन वाली वीडियो में भी दिखाई थी, डॉर्थी परकिन की ये हील्स हैं, और मैंने ये भी मिंत्रा से ही बाय की हुई हैं, क्योंकि मेरे शरारा में पिंक कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स हैं तो उन्हीं के साथ मैच करके जो है मैं इनको वेयर करती हूँ। और हैंड्स में मैं ज़्यादा कुछ वेयर करना पसंद नहीं करती, मैं जो है यही वाली रिंग पहनती हूँ। ये वाली जो रिंग Thank you.
जैकेट है ये मैंने अपनी मम्मी की पुरानी साड़ी में से बनाई है। एक्चुअली ये मेरी मम्मी की एक साड़ी थी जिसमें कि कील में आकर जो कि थोड़ी सी चिरक गई थी, और आपको पता ही है एक साड़ी में थोड़ा सा भी कट लग जाता है तो वो उसके बाद पहनने के मतलब की नहीं रहती, तो मेरी मम्मी ने जो है उसको डिस्कार्ड कर दिया था, जिसको कि मैंने उठाकर और अपना ये जो जैकेट है ये स्टिच करवा लिया। इस जैकेट के साथ मैंने क्या करा, इसके साथ मैंने कॉन्ट्रास्ट में ये फैब्रिक खरीदा, ये मॉडल फैब्रिक है और इसको मैंने मार्केट से लिया था 120 रुपीज़ पर मीटर में ये फैब्रिक था। इसकी मैंने शॉर्ट कुर्ती स्टिच कराई, प्लाजो स्टिच कराया और इस जैकेट के साथ भी मैंने इसकी डिज़ाइनिंग इसमें दी। स्लीव्स मैंने इस टाइप से स्टिच कराकर यहाँ पर भी इसके जो है बटन्स बनवाकर लगवाए, तो यहाँ अंदर की साइड मैंने ये वाला जो फैब्रिक है इसकी लाइनिंग करवाई है, नीट लुक आए। और इस ड्रेस के साथ जो मैं वेयर करती हूँ वो है यही वाली पम्प्स, ब्लैक पम्प्स, जो कि मैंने फर्स्ट ड्रेस के साथ भी वेयर की थी, और सेम इयररिंग्स इसके साथ बहुत अच्छे से जाते हैं। यही वाले गोल्डन स्टड्स जो है मैं इसके साथ वेयर करती हूँ, और हाथों में अगर मुझे कुछ पहनने का मन होता है तो मैं यही वाली रिंग वेयर कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं जो है वो कुछ भी वेयर नहीं करती हूँ हाथों में। तो ये थी मेरी थर्ड ड्रेस। और प्राइस बता देती हूँ, इसका जो स्टिच करने का उन्होंने प्राइस लिया वो लिया 2700, जिसमें कि सारा टोटल फैब्रिक मेरा था, ये वाला फैब्रिक भी डाई करा के मैंने उनको खुद से दिया, लेकिन हाँ लाइनिंग जो इसमें लगी है वो उन्होंने अपने पास से लगाई है। इस वाली जो भी प्लाजो है और जो ये वाला कुर्ता है इसका, इन दोनों चीज़ों में ही लाइनिंग लगी हुई है और वो उन्होंने अपने पास से लगाई है, और टोटल जो उसकी कॉस्टिंग आई वो आई 2700 प्लस जो भी मैंने फैब्रिक लिया उसके चार्जेस आए। तो आपको कौन सी ड्रेस अच्छी लगी इसमें से कमेंट करके मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। जब भी आप लाइक करते हो वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब करते हो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, और मुझे ऐसा मन करता है कि मैं और भी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँ। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।